नमस्कार, स्वागत है आपका। आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ में, मैं हूं दीपक मिश्रा। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। सदन में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जमकर एक तरह से नोकझोंक देखने को मिली। सदन की कार्यवाही के दौरान प्रदेश में खाद बीज की कमी का मुद्दा गूंजा, जहां पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि खाद बीज की कमी को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए चर्चा होनी चाहिए, प्रस्ताव पर चर्चा हो। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि किसान राज्य सरकार की प्राथमिकता में है, आकलन के हिसाब से भंडारण किया जा चुका है, किसी भी जिले में नकली खाद बिक्री का मामला सामने नहीं आया है, कहीं भी अमानक खाद बेचे जाने का कालाबाजारी का मामला दर्ज नहीं किया गया है। ये कहना गलत है कि खाद बीज की कमी से बोनी काम प्रभावित हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को राज्य सरकार उच्च गुणवत्ता के खाद बीज दे रही है, प्रदेश में किसी भी जगह किसानों में कोई रोष व्याप्त नहीं है। सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सरकार के ने माफियाओं को, प्राइवेट लोगों को, निजी लोगों को खाद उपलब्ध करवा दी और सरकारी सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं है, और उसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की बेपरवाही के कारण, सरकार की उदासीनता के कारण और सरकार किसानों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस मामले को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ में सड़कों पर उतरी हुई है, वहीं सदन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस मामले को पूरे जोर जोर से उठा रहे हैं। प्रतिपक्ष के द्वारा खाद बीज की कमी पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, चूँकि ये छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ा हुआ सीधा मसला था। हमने भी सरकार की ओर से आसंदी से आग्रह किया कि इसको ग्राह्य किया जाए, लेकिन उन्होंने जो शिकायत की थी खाद की कमी है, हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि 11,76,000 मीट्रिक टन की हमारी मांग थी और केंद्र सरकार ने सहमति और स्वीकृति दी थी, तो उतना फर्टिलाइजर हमको मिल ही जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो खाद की आपूर्ति में लगातार कमी की जा रही है, उसके कारण किसानों को परेशानी है। और जहाँ तक बीज का सवाल है, लगभग सोयाबीन के अलावा सभी पर्याप्त बीज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। तो चलिए, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज जिस तरह मानसून सत्र की शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा में, और विपक्ष ने जिस तरह से जोर शोर से मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बाकायदा उसका जवाब दिया। और धान को लेकर, मसले को लेकर हम बात करें, खाद की कमी को लेकर बात करें, तमाम उन कमी को लेकर इसी पर हम चर्चा करेंगे। जल्दी से आपको पहले मेहमानों से मुखातिब करा देते हैं, हमारे साथ जो चर्चा में जुड़ रहे हैं। अनिल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मोहन तिवारी हमारे विशेष संवाददाता लाइव जुड़ गए। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा को हम शुरू करें, लेकिन उसके पहले एक शुरुआती कमेंट में मोहन आपका लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने खुद ग्राउंड जीरो पर दिन भर जो कुछ भी हुआ आपने देखा। आज से मानसून सत्र की शुरुआत हुई कोरोना काल के बाद, और दो बड़े मसलों को विपक्ष ने उठाने की कोशिश की, लेकिन कृषि मंत्री ने बाकायदा उसका जवाब दिया। ओवरऑल आज आपने इस पूरे पहले दिन छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र की कार्यवाही में क्या कुछ देखा? देखिए, अभी भाजपा विधायक दल की बैठक भी चल रही है, और भाजपा के लिए ये जब भी विधानसभा का सत्र आता है एक ऐसा सुनहरा मौका होता है जिसके आधार पर वो सत्ता पक्ष को घेरती है। पिछले 3-4 महीने से उसके पास मुद्दों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो गई है, और उसी आधार पर एक बड़ी रणनीति बनाकर जो बीजेपी है उसकी कोशिश है कि वो सरकार को घेरे। तो आज सत्र शुरू होने के साथ ही बीजेपी के इस तेवर से साफ हो गया कि वो किस तरीके की रणनीति के साथ उतरना चाहती है। एक आक्रामक रणनीति बीजेपी ने बनाई है, जिसमें जनहित के मुद्दों के साथ साथ सरकार के इंटरनल ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो सरकार से जवाब चाहती है, और बताने की कोशिश ये कर रही है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी मैटर में सरकार असफल साबित हो रही है, और इसीलिए आज उसकी वानगी हमें दिखाई दी। हालांकि आज पहला दिन था, दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने की वजह से प्रश्नकाल जो है वो हो नहीं पाया, लेकिन प्रश्नकाल से ही बीजेपी के जो तेवर हैं वो हमें दिखने लगे थे। जो लिखित प्रश्न के जवाब आए थे उसमें जो मुद्दे उठाए गए थे, जो आज ध्यानाकर्षण के जरिए मुद्दे उठाने की कोशिश थी, और जो सबसे अहम मसला जो कि आज हमें सदन में दिखाई दिया वो था धान, जो बुआई के समय किसानों को
खाद बीज की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो खाद बीज की कमी नहीं होने की वजह से जो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी जो कि 80% कृषि पर आधारित है उस पर सीधा असर देखने को मिला है, तो वो एक बड़ा मुद्दा जो है आज बीजेपी के द्वारा उठाया गया। हाल ही में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए जिसमें कांग्रेस की इंटरनल फाइट भी सामने आई, वो मसला भी आज सदन में उठा और उस पर मसले पे भी चर्चा की मांग की। हालांकि ये मसला चर्चा के लिए कल तक के लिए पेंडिंग कर दिया गया है, तो मुद्दों की लंबी लिस्ट है और आज जो बड़े मुद्दों के जरिए जिस ढंग के आक्रामक तेवर बीजेपी ने दिखाए हैं उससे साफ है कि वो इस मानसून सत्र में सवालों की बौछार करने वाले हैं और उन सब सवालों के जवाब देना भी सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए बने रहिए आप मोहन हमारे साथ। अब मैं सबसे पहले संजय जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा और उसके बाद जरूर अनिल जी मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हमने ब्रजमोहन अग्रवाल की भी प्रतिक्रिया सुनी, आज मानसून सत्र की शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा में और दो मुद्दे प्रमुखता से आपकी पार्टी ने उठाने की कोशिश की, पहला कांग्रेस का इंटरनल जो मसला था और दूसरा खाद बीज की कमी। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि आखिर खाद की कमी है? कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि एक भी मामला सामने नहीं आया भ्रष्टाचार का, हमारी प्राथमिकता में है सरकार। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है संजय जी? देखिए दीपक जी, जो दोनों मुद्दे थे, दोनों मुद्दे निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष होने के नाते हमारी प्राथमिकता किसान है, न कि इनकी इंटरनल फाइटिंग्स, क्योंकि ये तो कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र है। ये सत्ता प्राप्त करते ही ये एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं पद और कुर्सी प्राप्त करने के लिए। ये आज का विषय नहीं है, टी एस सिंहदेव जी का कहूं या बृहस्पति सिंह जी का, ये तो देश की आजादी के बाद से कांग्रेस का हमेशा से चरित्र रहा है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जब किसान की जब बात होती है, मैं बहुत ईमानदारी के साथ में इस बात को रख रहा हूं, मैं तथ्यों के साथ में बात करूंगा। केवल रविंद्र चौबे जी कह दिए हो गया, इससे नहीं होगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हर मामले में ये सरकार बेईमान है, उसी तरीके से किसान के मामले में और विशेषकर उर्वरक और खाद जो देने के मामले में ये सरकार लगातार झूठ फैला रही है और किसानों के बीच में ये भ्रम फैलाने का काम कर रही है। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात यह है कि एक अपने आप को किसानों की सरकार कहने वाली ये भूपेश बघेल जी की सरकार आज यदि किसी वर्ग के खड़गरे में खड़ी दिखाई दे रही है, तो वो वर्ग किसान वर्ग है जिनके खड़गरे में पूरी सरकार खड़ी हुई दिखाई दे रही है। देखिए हर वर्ष जब खेती होती है तो उर्वरक, रासायनिक खाद और तमाम प्रकार के खादों की आवश्यकता होती है। यह सरकार छुपाती है, पोर्टल के अंदर में एक पोर्टल है जिसके अंदर में ये अपने आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, केंद्र की सरकार इनसे डिमांड मंगाती है, ये डिमांड भेजते हैं। उस पोर्टल में जो इनके पास में यथास्थिति अभी है, क्लोजिंग बैलेंस कहें या ओपनिंग बैलेंस कहें, उसके बाद जो शेष आवश्यकता है प्रदेश को होती है वो केंद्र की सरकार ने भेजा। लेकिन ये कभी सामने आकर ये नहीं कहते, ये उन आंकड़ों को छुपा लेते हैं जो इनके पास है, लेकिन पोर्टल के अंदर में स्पष्ट रूप से स्थिति दिखाई दे रही है कि इतना खाद इनके पास पहले से है। अरे हमने तो इनको श्वेत पत्र देने की चुनौती पेश किया था हमने कि भूपेश बघेल जी श्वेत पत्र जारी कर दे, रविंद्र चौबे जी श्वेत पत्र जारी करें, क्यों नहीं कर रहे? ये किस आधार पर कह रहे हैं संजय जी आप? जी ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि सरकार छुपाती है, जो डिमांड एंड सप्लाई की बात आप कह रहे हैं? जी मेरे पास आंकड़े हैं दीपक जी, यदि आप अनुमति देंगे तो मैं आंकड़े पढ़ दूं। बहुत संक्षिप्त में आंकड़े, फिर मैं नितिन जी से जवाब ले लेता हूं। नहीं मेरे पास आंकड़े हैं पूरे जी। देखिए राज्य सरकार द्वारा मैं यूरिया और डीएपी, आप आंकड़े आंकड़े रखिए संजय जी, लेकिन मैं देख रहा हूं बारदाने की कमी हो, वैक्सीनेशन की बात हो, खाद बीज की बात हो, केंद्र सरकार भेदभाव करती है यहाँ की राज्य सरकार से, ये कांग्रेस का शुरू से कहना रहा है, स्टेटमेंट रहा है। बिल्कुल ठीक कहा दीपक जी, टूल किट आपने सुना ना, टूल किट। यदि अपनी असफलता छुपाना है, इससे पहले कि ये पब्लिक डोमेन में जाए एक पत्र लिख दो जी। पत्र लिखकर मामले को उलझा दो, 4-6-10 दिन चलता रहेगा, लोगों में भ्रम फैलाओ, तो ये भ्रम फैलाने वाली सरकार है। मेरे पास तो आंकड़े हैं कि खरीफ के लिए मांग यदि उन्होंने किया 5.5 लाख टन यूरिया के विरुद्ध में उर्वरक विभाग के पास में 1.91 लाख ओपनिंग और सहित लगभग 4.10 लाख टन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। मैं 2 जुलाई का आंकड़ा आपके सामने पेश कर देता हूं, जुलाई की बात कर रहा हूं, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, कि 1.6 लाख टन इनके पास है जबकि जुलाई की आवश्यकता केवल 1,40,000 टन है। इनका क्लोजिंग स्टैंड 1.69, इनको जुलाई में चाहिए 1.40, एक्स्ट्रा 29 है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार हमको नहीं दे रही है। दूसरा विषय ये है कि इनका जब रकबा ही कम हो गया, इनका रकबा नहीं बढ़ा, अतिरिक्त 30% कहां? टी एस सिंहदेव जी का जो लेटर फूटा है, बम जो फूटा है, उसमें स्पष्ट है कि 250 टन
प्राइवेट सेक्टर मांग रहा है उसके अगेंस्ट में इन्होंने उनको 3600 टन, जहां 250 टन प्राइवेट जी, उनको 3600 टन, और जहां सोसाइटी को 8700 टन चाहिए था ठीक, मैं लौटूंगा संजय जी, मुझे सभी को बराबरी का वक्त देना है। नितिन जी, कई आरोप लगाए हैं संजय जी ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप लगाना इनके काम है, मुद्दा विहीन सरकार है, मुद्दे इनके पास है नहीं, तो बेतुकी बातें करके सदन में भी समय खराब करते हैं, खुद का भी और जनता का भी। आंकड़ों की बात हो रही तो मैं भी आंकड़ों पे ही बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि 7,25,000 टन खाद का कोटा केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए निर्धारित किया गया था, जिसमें राज्य को अभी तक 3,84,000 टन खाद केंद्र से उपलब्ध हुई है। अब ये जो हमारी डिमांड थी उसका भी आधा है, फिर ये किस प्रकार और ये कैसे कहते हैं कि हमने ये इनके पोर्टल से निकाला, और ये सारे फर्जी आंकड़े हमने विधानसभा में माननीय कृषि मंत्री जी ने भी, जो मैं बात कह रहा हूँ विधानसभा में, जो हमने कहा इनके जैसे हम झूठ और जुमला नहीं करते, ये किसान विरोधी लोग हैं, ये पूरा देश जान रहा है, प्रदेश का, प्रदेश का अन्नदाता जान रहा है। आज कितने, मुझे लग रहा है लगभग साल भर से ज़्यादा से किसानों का आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है, कई किसान इसमें अकारण मृत्यु हो चुकी है उनकी इस आंदोलन में, उसके भी आंकड़े संसद के पास नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है, हमने जो वादे किए वो पूरे कर रहे हैं, पर किसी भी तरीके से, चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे बारदाने की बात हो, या कोई केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई योजनाओं की राशि की बात, नहीं अभी अभी वर्तमान में बातों में, वर्तमान में नितिन जी कमी है, खाद बीज की कमी है या नहीं, भाव करती है, वर्तमान में खाद बीज की कमी है या नहीं, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल खाद की कमी है, और इस कमी, खाद की कमी मोदी जी की वजह से है, जानबूझ के यहाँ पर खाद की कमी क्रिएट की जा रही है ताकि यहाँ पर किसान परेशान हो। और बीज की कोई कमी नहीं है, मैं बीज के भी आंकड़े आपको बता दूं कि 7,88,874 क्विंटल बीज, मतलब आप समझिए खरीफ फसलों के लिए वितरण किए जा चुके हैं, और बीज निगम में अभी 8,94,184 क्विंटल, माने 81% बीज भंडारण करके शेष बचे हुए, कहीं पे ना बीज की कमी है, ना कहीं पे ऋण जो दिया जाता है, ऋण के भी मामले में भी हमने लगभग, आपको बता दूं कृषि ऋण जो तय लक्ष्य है 5,300 करोड़ रुपए का, उसके अवैध में 3,673 करोड़ रुपए किसानों को ऋण भी दिया जा चुका है। प्रदेश का किसान खुशहाल है, खुश है, मजे में है, तकलीफ में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो किसानों के नाम पर छल करते आए हैं 15 साल। संक्षिप्त में संजय जी, नहीं मैं नितिन भंसाली जी से केवल एक प्रश्न कर रहा हूं कि कितने टन की डिमांड आपकी सरकार ने किया था केंद्र से, ये बताएं तो कितनी आपूर्ति हुई? 7,25,000 टन। आपको नहीं जानकारी है, आप तो बहुत कम बता रहे हैं। आपकी सरकार राज्य को आपूर्ति हुई है 3,84,000 टन, ये विधानसभा में भी आंकड़ा पेश किया। सुन ली, अरे सुन लीजिए भाई, आपके कृषि मंत्री ने, कृषि मंत्री जी ने जानकारी दी 11 लाख, आज भी अभी इस बाइट में सुन लेंगे, इसी में जो बाइट चल रही थी, 11,75,000 टन की इन्होंने मांग की है। मैं इस बात को कह रहा हूं, और राज्य द्वारा जब अलग अलग उर्वरक कितने मिले, रासायनिक खाद मिले, नहीं सॉरी 11,75,000 टन की मांग है, सही कह रहे हैं आप, 7,25,000 खाद का कोटा निर्धारित जी, 10 लाख, सुनिए दीपक जी, 11,75,000 केंद्र का कोटा निर्धारित है, 11 लाख टन की मांग की, ठीक, एक सेकंड, 11,75,000 टन जो है इन्होंने डिमांड की, और राज्य जब अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत करता है उर्वरकों का, रासायनिक खाद का, उसको हमने जोड़ा तो 10,80,000 टन जो है वो इनकी मांग है, कहीं 10,85,000, कहीं 11,75,000। अब मुझे एक बात बस मैं समाप्त करूंगा एक सेकंड में, जो इनका भ्रष्टाचार किस तरीके से चल रहा है, जो टीएस सिंहदेव जी का ये लेटर भी मेरे सामने रखा है, टीएस बाबा का है ना, जो सार्वजनिक हुआ था सरगुजा में, उन्होंने लिखा निजी क्षेत्र में 250 टन मांगे उन्होंने, क्यों, व्यापारियों के लिए, वहां पर उस लक्ष्य के विरुद्ध उन्होंने 4600 टन दिया, क्यों दिया भाई, 250 टन की आवश्यकता, 4600 आपने क्यों दे दिया, व्यापारी कालाबाजारी करने के लिए। और सहकारी क्षेत्र में 8700 टन मांगा गया तो उसमें से केवल 3600 टन दिया गया, ठीक, विशुद्ध रूप से कालाबाजारी सरकार के संरक्षण में चल रही है। मैं लौटूंगा संजय जी और नितिन जी, अपनी अपनी बात रख रहे हैं।
सिंहदेव जी द्वारा डिमांड भेजी गई थी कृषि मंत्री जी को, वो खाद दी जा चुकी है। ठीक, इनको विवाद ही क्रिएट करने मैंने कहा शुरू में, से ज्यादा दे दी। ठीक ठीक, मैं आप दोनों मेहमानों के पास लौटूंगा। अनिल जी आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए किसान हमेशा राजनीति का एक केंद्रीय मुद्दा रहा है किसी भी सरकार में, छत्तीसगढ़ ही नहीं, हम देश की बात करें, देश के राज्यों की बात करें, किसानों को लेकर एक हमेशा राजनीति रही है। लेकिन आज मानसून सत्र की शुरुआत में जो विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, क्या लगता है आपको? दोनों मेहमान, हमारे प्रवक्ता मेहमान अपने अपने आंकड़ों से बात कर रहे हैं, मैं भी डिबेट के बाद जरूर इस आंकड़ों को पढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक शुरुआती कॉमेंट, क्या लग रहा है आपको? देखिए दीपक, एक बात बता दूं मैं आपको, जब यूपीए सरकार थी तो राज्य में भाजपा सरकार थी और उस समय कृषि उत्पादन को लेकर के कुछ अवार्ड दिए जाने थे, तो राज्य सरकार ने यहाँ से भाजपा सरकार को अवार्ड देने की जब बात हुई तो उस समय केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री थे डॉक्टर चरणदास महंत, जो अब जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने एक लेटर लिख करके अपनी सरकार को कहा था कि ये आंकड़े फर्जी हैं और फर्जी आंकड़ों के आधार पर पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री ने अपने ही केंद्रीय मंत्री की बात को खारिज कर दिया था। मैं यहाँ पे किसी पार्टी की आलोचना या पक्ष की बात नहीं हूँ, मैं आंकड़ों में कहना चाहता हूं कि आप आंकड़ों पेश करके किसानों की समस्याएं सॉल्व नहीं की जा सकती। सभी जानते हैं कि चाहे पिछली सरकार रही हो चाहे ये सरकार रही हो, किसान कितनी गरीबी में जी रहा है, किसान कितने सुसाइड कर रहे हैं, किसान आज भी जो है वो पूंजीपतियों और जो भंडारण करते हैं उनके कब्जे में है, आज भी उनको महंगे दर पर बीज खरीदना पड़ रहा है, आज भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो किसानों को झेलनी पड़ रही हैं, और सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो ये कहीं ना कहीं आंकड़ों में उलझा हुआ है। बहरहाल आज जो विधानसभा में चर्चा हुई, मैं भी उसका प्रत्यक्ष गवाह था, सुन रहा था कि विपक्ष ने सवाल बहुत सही उठाए कि खाद की कमी है, कालाबाजारी हो रही है, उर्वरक की कमी है और भी तमाम तरह की बातें कि उन्होंने केंद्र ने उनको मदद की, राज्य सरकार उसको ले नहीं पा रही है, ऐसे तमाम सवाल विपक्ष ने उठाए जरूर, और विपक्ष ने न सिर्फ विपक्ष दल ने बल्कि भाजपा का जो किसान मोर्चा है उसने भी पूरे जिले में सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो दोनों ही दलों ने एक तरह से, किसान चूंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसकी भावनाएं जीतनी है, उसके साथ अपना वोट बैंक बढ़ाना है, इसलिए ही दोनों ही दलों ने इस उद्देश्य के साथ चर्चा जरूर की, लेकिन एक सार्थक चर्चा विपक्ष में हुई। मैं यहाँ पे केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं प्रदेश के रविंद्र चौबे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि विपक्ष को कहा कि क्यों नहीं, हम केंद्र सरकार से हम क्यों नहीं मांगेंगे, वो भाजपा की सरकार नहीं है, वो केंद्र की सरकार है, हमारी भी सरकार है और हमारा पूरा अधिकार है कि हम केंद्र से मदद मांगे। तो रविंद्र चौबे जी का भी इस तरह का जो बड़प्पन वाला बयान आया उसने भी कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीता, लेकिन विपक्ष के जो धारदार सवाल थे, विपक्ष इस बात पर, जो भाजपा का विपक्षी विधायक दल है वो इस बात पे सफल रहा कि कहीं ना कहीं विधानसभा में किसान पर चर्चा हुई और पूरे प्रदेश में हमने देखा है कि किसान किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले रायपुर में किसानों का बहुत बड़ा आदिवासियों के एक दल आ गया था, उसने बताया कि भूमिपतियों ने हमारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है, लेकिन ये अच्छी बात है कि दोनों ही दल इस मुद्दे पर गंभीर हैं। बिल्कुल, मैं आपकी, संजय जी आपकी एक बार फिर प्रतिक्रिया लूंगा, क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास किस तरह सरकार को घेरना है सदन में, लंबे वक्त बाद कोरोना काल के बाद मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, आज तो हमने देखा सिर्फ खाद बीज की कमी और कांग्रेस का इंटरनल मैटर, आने वाले दिनों के लिए भी क्या पार्टी तैयारी कर रही है, क्योंकि मुद्दे कई हैं, आपकी पार्टी कह रही है सरकार को घेरना है। देखिए निश्चित रूप से दीपक जी, तमाम प्रकार के मुद्दों से ये घिरी हुई सरकार ये प्रतिदिन मुद्दा देती है, राजनीतिक मुद्दे तो हैं, आम जनता के हितों के मुद्दे हैं, अब तो ये स्थिति हो गई है कि इनका जो इंटरनल मामला है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं सरगुजा पर आरोप लगा रहा था कि सरगुजा को ज्यादा खाद चला गया, इसीलिए तो बृहस्पति सिंह नाराज नहीं है। एक विधायक अपने मंत्री पर खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहता है कि उनकी हत्या मंत्री करवा देंगे, मुझे लगता है इससे शर्मनाक स्थिति किसी सरकार की नहीं हो सकती। और मैं तो ये मांग करूंगा बंसल न्यूज के माध्यम से, नितिन जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को सामने आकर इसका पटाक्षेप करना चाहिए और हकीकत और इसकी जांच होनी चाहिए। खैर वो पीएल पुनिया कर चुके हैं पटाक्षेप, मामला खत्म हो गया है। नहीं, मामला कहीं समाप्त नहीं हुआ सर, मामला तो अभी शुरू हुआ है। कहां लगा है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास जाने वाले हैं, आंतरिक मामला है। और नहीं आंतरिक, ये कौन सा आंतरिक है भैया, वो टेबल के नीचे कौन छुपा था 2000 में जब वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना था, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे। प्रायोजित कार्यक्रम तो नहीं है ये,
चलिए नितिन जी, आने वाले दिनों में अब सदन में क्या क्या तैयारी रहेगी पार्टी की? कि मैंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, इसलिए नाराज हो गए। चलिए वो इंटरनल मसला तो हल हो गया है, लेकिन बीजेपी के पास लंबी फहरिस्त है नितिन जी। पार्टी है और मुद्दा विहीन मुद्दे हैं जी। बंसल के माध्यम से मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जितनी फहरिस्त है इनके एक सवाल के 10 जवाब है हमारे पास, पर ये सामना करने को तैयार नहीं है, सवाल करके भाग जाते हैं। नितिन जी, लंबी फहरिस्त बीजेपी के पास है, सरकार मजबूती से जवाब देने को तैयार है, सदन में सरकार तैयार है जवाब देने। सरकार के पास सवाल है, एक सवाल के दस सवाल भागते क्यों है? इनको रुकना चाहिए, सवाल करें तो। पांच दिनों के सत्र में 717 प्रश्न लगाए गए हैं, जिसमें 375 तारांकित और 345 अतारांकित है। अब ये इस तरीके से भाग जाएंगे तो इन विषयों पर चर्चा कैसे होगी? भाई बैठना चाहिए, ऐसे भागना नहीं चाहिए। सवाल करने के बाद वो सवालों में भी कोई दम होना चाहिए। हमारे विधायक भारी है सब पे, एक प्रश्न के 10 उत्तर है संजय भैया, कोई चिंता की बात नहीं है। भरपूर आरोप लगाइए, आरोप भी लगाइए, जनता ने आपको पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को रिजेक्ट कर दिया। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। मैंने एक प्रश्न पूछा आपसे आदरणीय बड़े भैया, आप बता दीजिए टेबल के नीचे कौन छुपा था। मेरे पास समय की कमी है संजय जी और नितिन जी, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। टेबल के नीचे कौन छुपा था, थोड़ा काम दिया उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं संजय जी, हमारे जी और नितिन जी, आप तीनों मेहमानों का। समय की कमी है, लेकिन आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि आखिर सदन में विपक्ष सरकार को किस तरह से घेरती है, और सरकार जो कह रही है कि हमारे पास जवाब देने की पूरी तैयारी है, हम पूरी दमखम से जवाब देंगे सदन में। आज पहला दिन था, अब देखना होगा आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ विधानसभा में मॉनसून सत्र में और क्या कुछ सदन के भीतर देखने को मिलता है। इस मुद्दे में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।